आपने करना ये है कि रोज़ दूध आता है तो उसको गर्म करना है और ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने के बाद नेक्स्ट डे उसके ऊपर सारी मलाई आ जाती है। हमारी जबान में तो उसे मलाई कहते हैं या बलाई, आप जो भी समझ लें, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर से जितनी भी बलाई है वो उतार देनी है और रोज़ इसी तरह से हमने इसको इकट्ठा करना है। ये देखिए, इसके ऊपर से मैंने जितनी भी मलाई थी उतार दी है, साइड्स पे भी लगी हुई थी वो भी सारी उतार दी है और इतनी इकट्ठी हुई है। रोज़ की रोज़ आपने इकट्ठी करते जाना और इसको फ्रीज़र में रख देना है, फ्रिज में नहीं रखना, वरना फ्रिज में रखेंगे तो इसके अंदर थोड़ा बहुत जो दूध होता है वो ख़राब हो जाता है। और जब हम इसका घी निकालने लगते हैं, घी निकालना होता है उसके साथ, मैंने इसको दही के साथ जाग होती है वो लगानी होती है, दही भी बन जाती है और ऊपर से घी भी उतर जाता है। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो फिर हमारा दही नहीं बनेगी, वो दूध जितना भी था सारा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे साथ इसी तरह से हुआ है, दूध सारा ख़राब हो गया तो वो दही नहीं बनी, वो सारे नीचे से ख़राब हो, लेकिन ये है कि घी निकला है। 15 मिनट ये दूध पक करना ये कि गया, एक ही बर्तन में सारी मलाई को इकट्ठा ये दूध करना है पक और गया पंद्रह है। अब मिनट के इसमें लिए हमने गर्म दही करना है। डाल गर्म देंगे, करने के बाद इसमें थोड़ा सा आपने नीम गर्म हो जाए, थोड़ा सी नीम गर्म हो जाए ठीक तो है। इसमें मलाई उसके बाद और इसमें दही ऐड कर आपने देनी इसको है मिक्स कर देना है और ओवरनाइट के लिए छोड़ देना। ये उसके बाद। ओवरनाइट मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर रखा था, ठीक है, दही इसके अंदर मिक्स करने के बाद। तो सुबह इसको मैंने ना फ्रिज में रख दिया था, तकरीबन 5-6 घंटे के बाद ना ये इस तरह से हो गया। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ और इसका घी बताती हूँ कि इसको कैसे सेपरेट करना है हमें। कोशिश करें कि ये फुल ऊपर से ना हार्ड हो जाए, गर्मी है बाहर निकालो फौरन ये ना मेल्ट हो जाता है। ऊपर ऊपर की जो लेयर होगी ना वहाँ पर सारा घी इकट्ठा हो जाएगा और नीचे जो है ना दही बन जाएगा। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो दूध है ना रोज़ इकट्ठा कर करके वो थोड़ा सा ना ख़राब हो गया। तो आप इसको फ्रिज में ऊपर फ्रीज़र में रखिएगा, तो फिर जब इसको हम दही से लगाएंगे ना, दही बनाएंगे, वो नीचे दही बन जाती है। छुरी से सारी साइड से ना हमने इस तरह से कर देना है और ऑयल को इसके ऊपर जो एक तय होगी घी की ऐसे निकाल देनी है, ठीक है। इसके देखें ये सारी दूध खराब हो गया ना, तो ये सारी हो गई है। ये देखिए ऊपर की लेयर है, जो सारा घी जो है ना ऊपर आ जाएगा और नीचे जितना भी दूध होता है ना सारा दही बन जाएगा। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि ये दूध जो है ना ख़राब हो गया है, लेकिन ये है कि घी बन गया। गर्मी है ना मसला हो जाता है। ये देखिए सारा घी निकला है, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा गर्म करूँगी, सारा घी हमारा रेडी है। मैंने मेल्ट किया है, मेल्ट करने के बाद इसको मैंने ना छान लिया था और ये हमारा घी रेडी है। अल्लाह हाफिज़।